पवन सिंह के पहले होली गाने को कोई भी भोजपुरिया सितारा, जी हाँ हम आपको बता दें यहाँ पर कि भोजपुरी की एक पूरी जमात जो है वो पवन सिंह के खिलाफ हो चुकी है और उसमें कई बड़े नाम हैं, आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब यही सारे लोग नहीं करेंगे सपोर्ट पवन सिंह के गानों को। जी हाँ, जिस तरह से पवन सिंह के कंटेम्प्रेरी जितने भी हैं उनके गाने रिलीज़ होते हैं तो उनका ये कहना होता है कि उनके गानों पर रिपोर्ट मारी गई है, फिर वो चाहे अक्षरा हो, राकेश मिश्रा हो, खेसारी लाल यादव हो या बड़े बड़े कई नाम ऐसे हैं आप सभी जानते हैं कि वो कई बार लाइव आकर ये कहते हैं कि उनके गानों को चलने नहीं दिया गया है, रिपोर्ट पर रिपोर्ट मारा गया है। यही सब कुछ हो सकता है पवन सिंह के पहले होली सॉन्ग को लेकर, जी हाँ, जो कि रिलीज़ हो रहा है और उसके रिलीज़ होते ही पवन के फैंस जुट जाएंगे अपने पावर स्टार के गाने को बहुत बड़ा बनाने में। तो आप समझ सकते हैं अगर ये गाना रिलीज़ हो रहा है जिसके लिए पवन सिंह ने सभी को ये कहा है, एक वीडियो भी जारी किया है और सभी से ये कहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, अब इस मेहनत पर किस तरह से पानी फेरा जा सकता है। अगर गाने पे रिपोर्ट मारी गई तो गाना उतना नहीं कर पाएगा जितना उसे करना चाहिए। वैसे पवन पे हमेशा ये एलिगेंस लगते रहे हैं कि पवन सिंह अपने विरोधियों के गानों पे रिपोर्ट मरवाते हैं, तो अब क्या जो पवन सिंह के विरोधी हैं वो भी पवन के इस होली सॉन्ग पर, इस होली सॉन्ग के रिलीज पर रिपोर्ट मारेंगे गानों पर? अगर आप ये सोच रहे हैं ऐसा नहीं होगा तो आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि इस वक्त सारी जमात एक तरफ है, सारे भोजपुरिया सितारे एक तरफ हैं और अकेले पवन सिंह हैं, तो ऐसे में पवन सिंह के जो फैंस हैं उन्हें उनकी पावर बननी पड़ेगी और इस गाने को इस बार बहुत ही अच्छे व्यूज़ के साथ आगे बढ़ाना है। क्या सोचते हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन पवन सिंह का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी है, उनका बॉलीवुड सॉन्ग। जी हाँ, उनका बॉलीवुड सॉन्ग जैसे आएगा वो सबसे बड़ा धमाका होगा, जिसकी तैयारी के लिए पवन सिंह कुछ ही दिनों बाद जौनपुर से निकल जाएंगे, सीधे आएंगे मुंबई और वहाँ अपने गाने की रिकॉर्डिंग करेंगे और शूटिंग भी करेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।